हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेडी केयर बुटीक में आप सभी का स्वागत है। एंड आज ना मैं आपको बता दूँ, मेरे 2500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया मुझे, एंड थैंक यू सो मच। ऐसी बहुत सारा ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। और ना आज मैं फ्री बैठी थी बिल्कुल, मतलब अभी मुझे कोई सिलाई नहीं करनी, अभी थोड़ी सी कम सिलाई है मेरे पास। तो मैं सोच रही थी कुछ जो मेरे पास फैब्रिक पड़े हुए हैं उनका कुछ बना लेते हैं। तो और ना मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेंगे और साथ में भी पूछ भी लेंगे कुछ। तो अभी ना वैसे तो मुझे आउटफिट तो काफ़ी सारे बनाने हैं, स्क्रेच आउटफिट भी बनाना है। एक दो मैंने देखे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो अब मेरे को ना कुछ फैब्रिक मिल गया, कुछ नहीं मिला हो, तो उन सब में ना इसी के चक्कर में रह जाती हूँ। फिर मैं क्या, रोज़ मेरा मार्केट जाना ही नहीं हो पाता, कभी कभार ही जाना हो पाता है, इसलिए मेरा ना आधा काम तो ऐसे ही रह जाता है। क्योंकि मैं मार्केट ज़्यादातर मेरे भाई के साथ ही जाती हूँ, और धूप की वजह से फिर मेरा इच्छा नहीं करती मार्केट जाने की, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ भाई, बहुत धूप हो रही है। और अभी देखो मेरे पास, आप फैब्रिक देख रहे हैं, ये वाला जो फैब्रिक है ना, मेरे को ये नहीं पता ये फैब्रिक मैं क्यों लाई हूँ इसलिए क्योंकि ना ये वाले फैब्रिक का ना मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये लाई क्यों। क्योंकि ना ये सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक है, और ये मुझे पता कितने का मिला आप बता सकते हो? मेरे को ये 30 रुपये में मिला, ये जॉर्जेट का ये प्रिंटेड फैब्रिक, ये मुझे 30 रुपये में मिला। और ये वाला जो फैब्रिक है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं ले आई थी। अब मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बनाना क्या है, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और इतनी देर से समझने के बाद भी फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इतने से छोटे से फैब्रिक में क्या बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे शेयर करना, कमेंट करके बताना, अपनी राय देना मुझे कि इसमें मैं क्या बना सकती हूँ छोटे से फैब्रिक में। मैं सोच रही ऐसा कुछ जो मैं पहन भी सकूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ बनाऊँ जो मेरे यूज़ में आ जाए, इसलिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। और इसके बाद एक ये वाला जो फैब्रिक है, तो मेरे को इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। क्योंकि ना ऐसे मैंने फ्रॉक सूट तो काफ़ी सारे आपने देखे होंगे मेरे, उस पर वीडियो पड़े हुए हैं फ्रॉक सूट के कटिंग और स्टिचिंग के। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा इस वाले का बनाऊँ। पहले तो वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि इसमें फ्रॉक सूट बना लूँ, बट ना मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका क्या बनाऊँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कर दो कि मैं इन दोनों फैब्रिक में क्या बनाऊँ। ये 1 ही मीटर फैब्रिक है, और ये वाला जो फैब्रिक है वो पूरा 5 मीटर फैब्रिक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि इन दोनों में दोनों का मतलब क्या बनाऊँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो मुझे, तो मैं कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी मैं देख ही रही हूँ कि क्या समझ में आया, तो फिर लास्ट में कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही इसका। तो अभी पड़ा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करना है कमेंट में, अपनी अपनी राय बताना कि इस सारे सूट का क्या अच्छा लगेगा। ये भी जॉर्जेट में ही है, तो आप मुझे ज़रूर बताना है कि क्या अच्छा लगेगा। और अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे हो कितना सारे बैग्स पड़े हुए हैं। ये जो बैग जो पड़े हुए हैं ना पीछे वाले, तो ये मेरे ना लहंगे हैं, इसमें जो रेंट से गए हुए थे ना लहंगे, तो वो अभी आ गए हैं सारे लहंगे। तो अभी इसमें क्या कि ड्राई क्लीन करवाना है मुझे, अभी मैंने इसमें ड्राई क्लीन वगैरह नहीं करवाई है, तो अभी इनको भी मुझे ड्राई क्लीन के लिए डालना है। ये कम से कम कितने 3 लहंगे हैं, ये तीनों लहंगे अभी क्या रेंट से गए हुए थे, तो अब ये तीनों आ गए हैं, तो मैं इनको ड्राई क्लीन के लिए डाल दूंगी। तो अगर आप लोग मेरे लहंगे का कलेक्शन देखना चाहते हैं जो मैंने खुद ने स्टिच किए हैं, जो रेंट से भी जाते हैं, तो अगर आप उस टाइप में बनवाना भी चाहते हैं, अगर आप लहंगे करके बताना, कमेंट करना मुझे तो बताना, तो फिर मैं आप लोगों को एक पूरा वीडियो बना के दिखा दूंगी। तो जो उसमें मेरे पास जो भी लहंगे हैं जो मैंने स्टिच किए हैं खुद से, जो रेंट से देती हूँ मैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इसलिए तो ये भी इतने सारे पड़े हुए हैं, तो इसको भी मैं को शाम को जाके इसको भी मैं सोच रही हूँ ड्राई क्लीन के लिए दे आती हूँ। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये मेरा सारा सामान पड़ा हुआ, ये मेरे नीचे रूम है ये मेरा, तो इसमें ही मैं स्टिच करती हूँ, मैं अपनी जो भी सिलाई वगैरह करती हूँ। ये देखो ऊपर 2 ड्रेसेस हैं ये, तो क्या है कि मैं नीचे रूम में है मेरे यहाँ पे घर पे, तो मैं घर से ही सिलाई करती हूँ, तो मेरे नीचे रूम है तो मैं उसी में सिलाई करती हूँ सारी। पहले मेरी शॉप थी, बट मैंने अभी शॉप बंद कर दी, तो अभी मैं क्या घर से ही स्टिचिंग करती हूँ सारी। तो इसलिए तो अब ये मेरा छोटा सा रूम है, अभी तो नहीं बताऊँगी, फिर जब इसमें पूरा काम करवाऊँगी ना, जब आपको मैं अपना पूरा रूम दिखाऊँगी, तो अभी इसमें अभी काफ़ी सारा सामान भी फैला हुआ पड़ा हुआ है, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ आपको। इसलिए तो ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना ये कि क्या बनाना है इन सब का। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।